फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कूल टेक मुकेश इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप दोस्तों इस तरह का ट्रेंडिंग व्हाट्सअप स्टेटस बना सकते हैं दोस्तों आप अपने एंड्रॉइड फोन से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कैसे आप भी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, आपको बताया था मैं इसे वीडियो को प्ले कर देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह आप भी बना सकते हैं दोस्तों आप अपने फ़ोन से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा ताकि इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया है दोस्तों। और अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए हरदम इस चैनल पर डालते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपके मोबाइल में काइन मास्टर होना जरूरी है दोस्तों। अगर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ से डायरेक्ट लिंक के द्वारा डाउनलोड कर लीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से बैक आएगा। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ सबसे पहले प्लस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ 16:9 का रेशियो ले लीजिएगा। ले लिए उसके बाद दोस्तों यहाँ सबसे पहले मीडिया पर आ जाइएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ बैकग्राउंड में आ जाइएगा और यहाँ से एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड को आप ले लीजिएगा, जो कि दोस्तों यहाँ से 30 सेकंड का आप ले सकते हैं। और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, फिर लेयर पर आ जाइएगा। उसके बाद मीडिया पर आ जाइएगा और एक ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट ले लेना है, जो कि दोस्तों देख सकते हैं इसको ले लिए। और फ्रेंड्स, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों आप अपने से बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिए दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, लेयर पर जाना है, उसके बाद मीडिया पर जाना है, उसके बाद दोस्तों एक फ़ोटो ले लेना है। जो भी फोटो आपके मोबाइल में होगा वो फोटो आप ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों इस फोल्डर में है, यहाँ से इस फोटो को ले लिए, देख सकते हैं ले लिए। और इस फोटो को इस तरह से जूम कर लीजिएगा, देख सकते हैं दोस्तों, आप अपने अनुसार से एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं इसको ले लिए और फ्रेंड्स इसका लेयर यहां से बढ़ा देंगे, जितना बड़ा स्टेटस है उतना बड़ा कर लिए और यहां से ओके पर क्लिक कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, यहां शुरू में आ जाएंगे और इसको शुरू में कर दीजिएगा, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स क्या करना है, सबसे पहले जो ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट लगा है इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ 3 डॉट पर आइएगा और यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक कर दीजिएगा, इस तरह से हो गया। और फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ सबसे नीचे आइएगा। आने के बाद दोस्तों यहाँ से ब्लिनिंग में आ जाइएगा और यहाँ से स्क्रीन पर क्लिक कर दीजिएगा, देख सकते हैं। और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, देख सकते हैं क्लिक कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ दोस्तों एडजस्टमेंट में आइएगा, देख सकते हैं यहाँ से। और इसका लाइट यहाँ से बढ़ा लीजिएगा, देख सकते हैं इस तरह से आपको अच्छा लग सके। और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, फिर लेयर पर आ जाइएगा, उसके बाद मीडिया पर आ जाइएगा। इसमें दोस्तों फूल का इफेक्ट लगाना है, जैसे कि दोस्तों इस फोल्डर में है ये वाला फूल है, इसको ले लिए, इस पर क्लिक कर दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे आएगा दोस्तों ब्लेंडिंग में, उसके बाद दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा इस तरह से। और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ इधर आइएगा और इसको इस तरह से छोटा कर लीजिएगा, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ आप रख लीजिएगा और फ्रेंड्स फिर नीचे आइएगा इस तरह से और यहाँ एडजस्टमेंट में आ जाइएगा और इसका लाइट यहाँ से बढ़ा लीजिएगा इस तरह से। और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ 3 डॉट पर आइएगा और यहाँ से एक और डुप्लीकेट इफेक्ट ले लीजिएगा और फ्रेंड्स इसको इधर कर लीजिएगा इस तरह से। और फ्रेंड्स यहाँ नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ रोटेट का ऑप्शन दिया, इस पर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स इस पर क्लिक कर दीजिएगा इस तरह से, हो जाएगा दोस्तों इधर से। और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा और इसको एडजस्ट कर लीजिएगा इस तरह से, हो गया। और फ्रेंड्स यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा वीडियो बनकर तैयार हो गया। देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, देख सकते हैं इसी तरह आप भी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें कोई सा भी आप ऑडियो लगा सकते हैं, यानी दोस्तों कोई सा भी सॉन्ग लगा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें दूसरा कोई सॉन्ग है दोस्तों, इस सॉन्ग को हटाना है हमको, इस पर क्लिक कीजिएगा ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट वाला पर और यहाँ साउंड पर आइएगा और यहाँ से ऑफ पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिए। और फ्रेंड्स इसमें कोई सा भी आप साउंड लगा सकते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ ऑडियो का ऑप्शन दिया, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ दोस्तों नीचे आइएगा, आपके गैलरी में जितना भी सॉन्ग रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों ये वाला सॉन्ग हमको लगाना है, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ दोस्तों प्लस पर क्लिक कर दीजिएगा इस तरह से, यहाँ सॉन्ग ऐड हो गया, देख सकते हैं। और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, इस तरह से दोस्तों आप सॉन्ग लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स इसको स्पॉट कैसे करना है, स्पॉट करने के लिए दोस्तों यहाँ डायरेक्ट शेयर का ऑप्शन दिया, इस पर क्लिक कीजिएगा इस तरह से और यहाँ से। और फ्रेंड्स यहाँ से रिजोल्यूशन को फुल HD या HD कर लीजिएगा और यहाँ से बीटरूट को फुल कर दीजिएगा और यहाँ से स्पॉट पर क्लिक कर दीजिएगा, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा और वहाँ से कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए हरदम इस चैनल पर डालते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतने, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।